तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया के मानपुर सलेमपुर सुरहरी मोड़ के समीप साई ऑटोमोबाइल सेल्स एंड सर्विस सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को वजीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया। साई ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के अधीन स्पीड फोर्स कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया गया है। इस सर्विस सेंटर में किसी भी दो पहिया वाहन की सर्विसिंग की जाती है। उद्घाटन के मौके पर पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मानपुर वासियों के लिए यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि दोपहिया वाहन अगर कहीं भी रास्ते में खराब हो जाती है तो दूरभाष के माध्यम से सूचना देने पर अगर दोपहिया वाहन उस स्थान पर जाकर बना दी जाती है तो यह एक सराहनीय कदम है। देखिए मानपुर में है तो इन्होंने जो खोला है एक ऐतिहासिक कदम है और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के और खुले और मानपुर के लोग को उस पार सर्विस के लिए जाना न पड़े। यदि मानपुर क्षेत्र के लोग यदि यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उनका बाइक प्रॉब्लम में है, बीमारी हालत में, तो यहाँ पर सुधार हो जाए, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। इसका हम सराहनीय कदम इनको बताते हैं और ये बड़ी अच्छा काम किए हैं, इसलिए ये बढ़ाई के पात्र हैं। जाना पड़ता था उससे बचेंगे, समय जाम का समय रहता है, जाम से तो बचेंगे लोग। वहीं पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह ने एक सवाल पूछे जाने पर जवाब में कहा कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वह गति से विकास स्थानीय वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जनता के बीच जाने का मौका मिल रहा है, लोगों से विकास के नाम पर जो शिकायतें सुनने को आ रही है वो काफी निंदनीय है। अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग के पार्टी से एक निर्देश मिला था, पत्रक मिला है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने जो 6 साल अभी तक उनका हुआ है देश के प्रधानमंत्री बने हुए, तो उन्होंने 6 साल में क्या काम किया है उस पत्रक को लेकर हम 150 गांव में अभी तक घूम चुके हैं। और ऐसा नहीं कि एक दरवाज़ा पर मैं गया हूँ, गली गली और दरवाजे दरवाजे मैं घूम के और उस पत्रक वितरण करने का काम किया है और प्रधानमंत्री जी के उपलब्धि को मैंने बताने का काम किया है। दूसरे में अभी वर्तमान जो विधायक हैं, मैं उनके बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक गोल मटोल कहना चाहता हूं कि अब जनता को सोचना है कि 5 साल हम तो क्षेत्र में जब जा गए 150 गांव में तो मैं सीधे एक लाइन में अपना प्रचार को समाप्त किया। मैंने कहा कि 5 साल आप हमको भी देखे विधायक रहते भर में, 5 साल इनको भी आप देख लिए, समाप्त हो गया इनका भी कार्यकाल, महीना 2 महीने के मेहमान हैं, तो 5 साल में अब जनता को तुलना करना है। इंसाफ आपके हाथ में कि उन्होंने विकास क्या किया, मैंने क्या किया 5 साल में। और दूसरे में पब्लिक चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिससे मैं आसानी से मिल लूं, जो आसानी से मुझे मिले, अवेलेबल रहे, दूसरे में जाने के बाद हमको मान सम्मान मिले। और हमसे जो आप पूछ रहे हैं कि मिलते नहीं हैं, तो पब्लिक से पूछ लीजिए, क्षेत्र के जनता से, तो पब्लिक तो बोल रही है। हम तो स्पष्ट कहा कि आप दोनों में तुलना कर लीजिए, इंसाफ आपके हाथ में। मौके पर साई ऑटोमोबाइल्स के प्रोपराइटर राहुल सिंह ने कहा कि इस सर्विस सेंटर में सभी कंपनियों के दोपहिया वाहन की सर्विसिंग की जाएगी और फोन के माध्यम से दोपहिया वाहन रास्ते में खराब हो जाता है और फोन के माध्यम से यह सूचना दी जाती है तो उनके घर से जाकर यह वाहन को बनाकर उसे मरम्मत कर वापस घर तक पहुंचाया जाएगा। ये जगह का नाम सर चमुंडा देवी के प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, लेवल और आउटलेट का नाम मेरा साई ऑटोमोबाइल सेल्स एंड सर्विस है। ये हमने जो टू व्हीलर जिम सेवी है इसके साथ हमने ये लिया है। आपसे बहुत सारी फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, फैसिलिटी उसके अलावा जो ब्रेकडाउन गाड़ियाँ होती है उसके लिए ये ऑन रोड मैकेनिक प्रोवाइड कराते हैं। ये इंडिया में टू व्हीलर की फर्स्ट कंपनी है जो कि इस तरह का काम कर रही है। इसके अलावा इसका इसमें किसी तरह का मुझे कंपटीशन नहीं देखा, ये फर्स्ट कंपनी है। और क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे पेरेंट्स से पहले लॉकडाउन से पहले निर्मली में बिहार का पहला फ्रेंचाइजी खुला है,
जो कि आपके उधर दरभंगा साइड है, गया में ये सब फर्स्ट टाइम चाहिए। इसकी ढेर सारी फैसिलिटी है, डेढ़ बाइक जितने भी टू व्हीलर बाइक होते हैं वो सारे बाइक का सर्विस अंडर वन रूफ यहाँ अवेलेबल है। 3 किलोमीटर के एरिया में सर वी प्रोवाइड डिफेंट डॉग फैसिलिटी। जिनके पास समय नहीं है वो एक कॉल करेंगे, हम अपना आदमी भेजेंगे, वो बाइक को यहाँ ले ला के सर्विस करके वहाँ पहुँचा देंगे। कोई एक एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल। इस मौके पर स्पीड फोर्स कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि किसी भी कंपनी के बाइक को अलग अलग सर्विस सेंटर में जाकर सर्विसिंग कराने से अच्छा है कि एक ही स्थान पर सभी मोटरसाइकिल कार सर्विसिंग हो। उन्होंने यह भी कहा कि सर्विसिंग के समय सभी उत्तम क्वालिटी का पार्ट्स लगाया जाएगा जिससे वाहन मालिक संतुष्ट दिखेंगे। उद्घाटन के मौके पर साई ऑटोमोबाइल्स के कई कर्मचारी एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए। हम फील्ड फोर्स लास्ट के 4 साल से इंडिया में कार्यरत है। हमारी टोटल 10 स्टेट में प्रेजेंट है और 10 स्टेट में 50 से ऊपर ब्रांच खोल चुके हैं। हमारी सबसे अच्छी सर्विसिंग की बात अगर की जाए तो हम पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, ब्रेकडाउन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपका बाइक कहीं पे भी कहीं रोड पे ख़राब हो चुका है या कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है तो हमारा बंदा यहाँ से आपके पास आके आपका बाइक रिपेयर करके सर्विस देके ही आपको संतुष्ट करके सर्विस देके ही वापिस आता है। हमारी और अलग अलग सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम इंश्योरेंस भी यहीं से प्रोवाइड करते हैं, हम वारंटी पीरियड भी प्रोवाइड करते हैं, वारंटी कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं और हम AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपका बाइक पूरी तरह से सर्विस करके उसको सैनिटाइज करके, अभी नाउडेज अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि सैनिटाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हम सैनिटाइज करते हैं। कहीं से भी बाइक लेने जाते हैं तो पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर उसका सर्विस करने के बाद वापस सैनिटाइज करते हैं और फिर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।